मैं मुर्शीद आलम हरियाणा राज्य हज कमेटी मीडिया कोऑर्डिनेटर होने के नाते हरियाणा जनपद के समस्त मुस्लिम समाज के भाइयों से एक अपील करना चाहूँगा और मेरे साथ में हरियाणा मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का मैं चेयरमैन होने की हैसियत से मैं अपने समाज से ये पुरखलूस अपील करना चाहूँगा कि 12 तारीख को हमारे हरियाणा प्रदेश में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। हमें बहुत सोच समझकर, बड़े विचार कर अपने वोट का इस्तेमाल करना है। वोट का इस्तेमाल करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा देश किसके हाथों में सुरक्षित है, कौन हमारी रक्षा कर सकता है, कौन हमारे लिए अच्छा है। तो इसके लिए मैं आप लोगों से जो अपील करना चाहता हूँ, मेरी अपील है कि हमारे देश का नेतृत्व, हमारे भारत का गौरव विश्व में अपनी एक नई पहचान, नई ताकत के रूप में उभरे हैं नरेंद्र मोदी जी। उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिनका चुनाव निशान कमल का फूल, कमल के फूल पर हमें सामने वाला बटन दबाकर जहां जहां भी हरियाणा में 10 की 10 विधानसभाओं में जो भी हमारी पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको अपना वोट देकर कामयाब करें। करनाल निवासी होने के नाते मैं करनाल लोकसभा के अंदर आने वाले 9 के 9 विधानसभा के मुस्लिम समाज के भाइयों से, जहां तक कि मैं जाकर व्यक्तिगत मिल चुका हूं, आप लोगों से अनुरोध कर चुका हूं और आप लोगों ने जो विश्वास दिलाया है कि हम लोग मोदी जी के साथ हैं, हम लोग मनोहर लाल जी के साथ हैं, मैं जान इस बात से मेरा जहां मन प्रसन्न है, वही मुझे आपसे ये पूरी उम्मीद है कि आप 12 तारीख को कमल के सामने वाला बटन दबाकर संजय भाटिया जी को कामयाब करेंगे, मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। एक बार फिर मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि 55 साल तक कांग्रेस का राज रहा है पूरे देश में और प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें रही हैं। उन्होंने मुसलमानों को क्या दिया? यही कि मुसलमान के नाम पर वोट लिया और दूसरी हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट देने से रोकते रहे, ये आरोप लगाकर कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की विरोधी है। 5 साल का कार्यकाल माननीय मोदी जी का, कोई भारत में मुस्लिम के साथ हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं, किसी मुसलमान को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। हरियाणा प्रदेश के 4.5 वर्ष होने जा रहे हैं, 4.5 वर्ष के बीच में हरियाणा में किसी मुसलमान भाई को कोई परेशानी नहीं। तो क्यों ना हम लुक छुप कर नहीं बल्कि खुलकर सामने आकर विरोधियों को, विरोधी पार्टियों को ये दिखा करके हम सब भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान के गौरव के लिए, अपनी देश और अपनी माटी के लिए क्यों ना हम एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना वोट कमल के निशान पर देकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय भाटिया जी। संजय भाटिया जी एक हमारे ऐसे नेता हैं जिनके अंदर किसी भी किस्म की कोई छल कपट, किसी भी किस्म का कोई भेदभाव, किसी भी किस्म की कोई राजनीतिक चंचलता नहीं है, बल्कि एक साधारण किसान, एक साधारण व्यक्ति, और बल्कि ये कहना चाहिए कि जिनके अंदर संगठन को मजबूत करने की शक्ति उनके अंदर भरी हुई है, उनको हम जिताकर अपने आप को मजबूत करें, नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें,
और इस देश के गौरवशाली व्यक्ति मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाकर अपने आप को गौरवित महसूस करें, इसके लिए मैं आप सबके लिए पुनः धन्यवाद कहूंगा, आप सबसे अनुरोध करूंगा और आप लोगों से अपील करते हुए ये याद दिलाना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक नारा है हमारे कि सबका साथ सबका विकास, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि आम वर्ग विशेष यानी कि मुस्लिम समाज का कहीं विकास नहीं करेंगे, मुस्लिम विकास को कहीं अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे, सबके साथ, मुसलमान भी उनके साथ, मुस्लिम भाई भी उनके साथ, ईसाई भी उनके साथ, सिख भी उनके साथ, बौद्ध भी उनके साथ, यानी कि हिंदू भाई सभी धर्मों को एक साथ सबका विकास एक साथ लेकर करने का वादा करते हैं और ऐसा कर कर दिखलाया है उन्होंने 5 साल के अंदर। वही हरियाणा के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, जिन्होंने हरियाणा के अंदर एक नारा दिया है कि हरियाणा एक हरियाणवी एक, और उन्होंने ये साबित कर दिखाया है कि सबको बराबरी का दर्जा दिया है, सबको बराबर का साथ लेकर चल रहे हैं और उसका हम एहसान का बदला अपना वोट देकर उनके प्रत्याशी जो उन्होंने भेजा है यहाँ पर, पार्टी ने जो प्रत्याशी भेजा है श्री संजय भाटिया जी, उसको अपना कीमती वोट दें और उनको भारी भारी बहुमत से जिताएं, जिससे कि हमें भी अपने आप पर ये गर्व महसूस हो, उस प्रत्याशी को हम पर ये गर्व महसूस हो कि मेरे मुस्लिम भाइयों ने हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है वोट देने में, और वो कल दिन दूर नहीं है जो हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए संजय भाटिया जी हमारे पास खुद चलकर आकर हमसे पूछा करेंगे कि बतलाओ भाइयों आपकी भी कोई समस्या हो तो उसका मैं समाधान करूं। तो हम उन्हें इस बात को याद दिलाते हुए आपको कि आज देश को जरूरत है मोदी जी की, आज प्रदेश को जरूरत है मनोहर लाल जी की, हम किसी के बहकावे में ना आए, किसी की चर्चा में ना आए। बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोगों की पार्टी के लोग आकर तरह तरह का षड्यंत्र रचते हैं और खास तौर से चुनाव से 2 या 3 दिन पहले ऐसा काम करते हैं कि वो एक पर्चे छपवा कर मुस्लिम समाज की तरफ से बिना उनके ऊपर किसी का नाम लिखा हुआ नहीं होता, उनके ऊपर किसी का टेलीफोन नंबर नहीं होता, और उसको मस्जिदों में मदरसों में मुस्लिमों के घरों में डाल देते हैं और गुमराह करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है। नहीं मेरे भाइयों, आप जरा समझो, मैंने आलिमों से बात की है, मैंने बुजुर्गान दीन से बात की है, उन सब का ये कहना है कि हमारा देश जिसके हाथों में सुरक्षित है, हम जिसके हाथों में सुरक्षित हैं, वो हमारे नरेंद्र मोदी हैं, और हम क्यों ना नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए अपने आप आगे आएं और इस देश को शक्तिशाली बनाएं, विश्व में अपनी एक पहचान बनाएं और एक हिंदुस्तानी होने का सच्चा सबूत दें। इसी के साथ खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।